एग्जाम में इतने सारे कैंडिडेट्स होंगे, टाइम इतना कम होगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कैंडिडेट्स होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, ज़्यादातर यही सोच बैठते हैं कि इतने सारे लोग में हमारा सिलेक्शन कहाँ होगा। लेकिन हमें क्राउड का हिस्सा नहीं बनना है। किसी भी एग्ज़ाम में सेलेक्ट वही होता है जो तैयारी करता है। जो बच्चा सीरियसली तैयारी करता है वो सेलेक्ट होके ही रहता है। तो और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो बेसिक मैथमेटिक्स होता है वो 6th, 7th, 8th, 9th, 10th इनका मैथ ही होता है। लेकिन अगर किसी रीज़न से आप तब इन चीज़ों को नहीं पढ़ पाए हैं तो कोई बात नहीं, एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही है। वो कहते हैं ना, करने से ही होता है। तो बस रेडी हो जाइए प्रिपरेशन करने के लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग लॉस ऑफ एक्सपोनेंट यानी घातांक करनी यानी सर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ व्यूवर्स ने मुझे लॉस ऑफ एक्सपोनेंट के कुछ क्वेश्चंस भेजे थे सॉल्व करने के लिए, तो उन्हें सिर्फ सॉल्व करने से तो सारा कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, इसलिए आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे बेस्ड ये जो क्वेश्चंस हैं, एक्सपोनेंट पे बेस्ड ये SSC CGL बैंक PO RRB NTPC इसके मिक्स प्रॉब्लम्स हैं। आपके पास टाइम बहुत कम होगा। कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं जिसमें डायरेक्ट ट्रिक लग जाती है, लेकिन सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते हैं। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगता है, लेकिन फिर भी उसको उसमें टाइम लग ही जाएगा क्योंकि वो डायरेक्ट किसी ट्रिक से नहीं सॉल्व होता है। तो हमें कुछ क्वेश्चंस में ट्रिक लगा के उसको उसकी टाइम को बचाना है, और टाइम बचा बचा के हम उन क्वेश्चंस में जिसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है उसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हम स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली एक्सपोनेंट होता क्या है? एक्सपोनेंट में दो चीज़ें होती हैं, एक बेस और एक इंडेक्स यानी कि पावर। ये कंसेप्ट क्लास 7th, 8th में पढ़ाया गया था। अगर आप कुछ रूल्स जान लेंगे तो आपको खुद फील होगा कि ये कितना आसान है। सिर्फ इसलिए डिफ़िकल्ट लग रहा था क्योंकि हमने उसे करके नहीं देखा था। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट या सर्च के कंसेप्ट को समझने के लिए पहली सीढ़ी है कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उन्हें समझना। क्या है वो रूल और एक्सपोनेंट होता क्या है? जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक नंबर लिखती हूँ, 2 की पावर 20। 2 बेस है और जो उसकी पावर है इंडेक्स यानी एक्सपोनेंट जो है वो 20 है। तो एक्सपोनेंट में दो ही यहाँ पे कैरेक्टर होते हैं, एक बेस और एक पावर। तो जिसके ऊपर पावर है वो बेस है, और जो वो पावर है जो नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। अगर कभी आपके पास a^n लिखा है, a के ऊपर पावर n, तो a कहलाता है बेस और n कहलाता है इसका पावर यानी कि एक्सपोनेंट। इसका मतलब क्या होता है? a की पावर n का मतलब a का खुद के साथ n बार मल्टीप्लिकेशन। a इज मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ n टाइम्स। यानी कि अगर ऐसी बात है तो यानी a स्क्वायर का मतलब a इंटू a होता है, a क्यूब का मतलब a इंटू a होता है, और यही इसका पहला स्टेप है। a की पावर n का मतलब a का खुद के साथ मल्टीप्लिकेशन। ठीक, अब दूसरा चरण है इसका, सेकेंड स्टेप है, ये रूल्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं अपन। पहला रूल है कि अगर कोई नंबर बेस है a के ऊपर m और दूसरा उसी बेस के ऊपर दूसरी पावर लगी है a^m × a^n, तो ये हो जाएगा a^m+n। सेकेंड रूल है, जैसे कि मान लीजिए पहले वाले का एग्जांपल देती हूँ, मान लीजिए 2³ × 2 पावर x, कहीं आपको ये लिखा हुआ मिल जाता है। तो जैसे बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगे, आप बहुत पहले से इसे पढ़ते आ रहे हो, तो अगर बेस सेम है तो ही पावर ऐड होंगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगी। एंड सेकेंड इज a^m/a^n = a^m-1, यानी जो डिनोमिनेटर वाला है वो ऊपर जाके सब्ट्रैक हो जाता, घट जाता है। ठीक, और तीसरा रूल है, a के ऊपर एक पावर है उसके ऊपर दूसरी पावर, यानी दो पावर्स हैं तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। नेक्स्ट रूल है कि अगर a × b की और होल पावर n है तो उसे लिख सकते हैं a^n × b^n, यानी अगर दो नंबर में होल पावर है तो वो पावर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। a/b की पावर n का मतलब होता है a^n/b^n, यानी क्वेश्चन के फॉर्म में है तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, चाहे वो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हो चाहे डिविशन के फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है a^0 का क्या मतलब होता है। किसी भी नंबर के ऊपर जीरो पावर का वैल्यू 1 होती है, बट वो नंबर इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए और वो नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर एक नॉन ज़ीरो नंबर के ऊपर, मतलब अगर ज़ीरो के ऊपर हो जाएगा ना और इनफाइनाइट के ऊपर हो जाएगा, तो फिर वो एक इनडिटरमिनेंट फॉर्म होगा, मतलब उसकी वैल्यू
किसी को मालूम नहीं होती है, वो इनडिटरमिनेट डिक्लेयर्ड है। फिलहाल ए की पावर ज़ीरो तभी होगी जब वो ज़ीरो नहीं होगा। किसी भी नंबर पे चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, अगर ज़ीरो पावर होती है तो वो वन हो जाती है उसकी वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद ए की पावर माइनस एन का मतलब क्या होता है, ए की पावर माइनस एन, माइनस पावर अगर आप डिनोमिनेटर में उसे ले आते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपको एक्स के ऊपर माइनस फोर दिया हुआ है, तो अपन उसको लिख सकते हैं 1/x^4, यानी नेगेटिव पावर जब नीचे आती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अब जो मैं लास्ट की दो बता रही हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रूट ए का मतलब होता है x^(a^2), मतलब रूट वाले केस में यहाँ पे कुछ लिखा नहीं होता, या अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। फोर्थ रूट का मतलब होता है 1/4। और अगर हम इसी तरह से इसे जारी रखें तो nth रूट का मतलब होता है 1/n, ठीक। रूट का मतलब हाफ पावर, क्यूब रूट का मतलब 1/3। तो हम कह सकते हैं nth रूट मतलब 1/1n। और 1^m/n को क्या लिख सकते हैं, nth root of a^n, यानी इसी रूल को मिला लिया है अपन ने। तो इस तरह से ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए पहला स्टेप ये है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं पहला पैटर्न आपको बताती हूँ कि हमने ये जो क्वेश्चन लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो अगर मैं इसे दोनों मेथड से आपको बताऊँगी, जब भी आप कोई इस तरह का टर्म देखिए जिसमें इरेशनल नंबर हैं 1/√2+1, 1/√3+√2, इन्हें हम देख रहे हैं कि सब में एक एक का डिफरेंस है और ये 100 तक गया है, ठीक है। तो अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें तो इसमें इसका जो आंसर होगा वो होगा 9। इसका आंसर 9 होगा। इसकी ट्रिक है कि इसका आंसर जो होता है 9 होता है जब किसी इस तरह के फ्रैक्शन में आप देखते हो कि √2, √1, मतलब सब में 1-1 का डिफरेंस है, तो जो हमेशा आंसर आता है वो जो मैक्सिमम नंबर होता है सबसे बड़ा क्या है वो, और माइनस करके जो सबसे छोटा है वो बचता है। तो इसमें सबसे बड़ा √100 है और माइनस और सबसे छोटा कौन था 1, तो ये √100 is 10, 10-1 9 इसका आंसर होगा। तो ये ट्रिक हो गई। चलिए इसके कंसेप्ट की बात कर लेते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को बेसिकली सॉल्व कैसे किया जाता है। तो बेसिकली देखिए ऐसे क्वेश्चंस में रेशनलाइज किया जाता है। तो जब हम रेशनलाइज करेंगे तो हम क्या करते हैं, जैसे √2+1 है, अगर किसी भी अलग से हम समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास इस तरह के क्वेश्चन है तो आप इसे कैसे सॉल्व करें, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। डिनोमिनेटर में नीचे जो है रूट नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी फ्रैक्शन में नीचे रूट वाले टर्म है तो उसे रैशनलाइज करके ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसको इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका, बस रैशनलाइजेशन यानी परिमेयकरण जो होता है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें किसी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदला जा सकता है। इसके लिए हम रैशनलाइज करते हैं तो हमेशा अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर यहाँ माइनस हुआ होता है तो प्लस से करते, प्लस है तो माइनस से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लोग देखेंगे कि a माइनस बी और a प्लस बी कितना हो जाएगा, a² - b² और न्यूमरेटर वाला बच जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2-1 और √2² 2 होता है, 2-1 यानी 1 बचेगा। यानी एक टर्म में हम देख रहे हैं कि √2-1 बच रहा है न्यूमरेटर। तो देखिए हम इसमें सब में रैशनलाइज करेंगे, सब में रैशनलाइज कर दीजिए, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो इसमें हमने इस तरह से सब में अपोजिट से मल्टीप्लाई कर लिया है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बचेगा, 1। इसी तरह से इसमें भी 1 बचेगा क्योंकि √3² 3 होगा। 3 - 2 कितना होता है, सभी में क्या सिचुएशन होगी एक और देख लेते हैं। जैसे √3-1, √3-√2 एंड √3+√2, इसमें क्या होगा, a - b a + b कितना होता है, a² - b² यानी कि ये हो जाएगा 3-2 यानी कि 1। सब में आप देख सकते हो कि 1 आएगा। हमेशा ऐसा ही होता है, जब भी आप कोई ऐसा फ्रैक्शन देखते हैं तो उसमें नीचे 1 बचता है। तो इस तरह से आप लोग इसमें न्यूमरेटर में √2-1 किए और नीचे 1 बच गया, प्लस
नेक्स्ट वाले में इसके बाद क्या हुआ था, रूट थ्री, इसके बाद रूट थ्री माइनस टू ऊपर और नीचे वन बच गया प्लस, इसके नेक्स्ट वाला क्या होगा हुआ होगा रूट फोर माइनस रूट थ्री और नीचे वन बचा होगा, इसी तरह से सब में होता जाएगा और लास्ट टर्म जो अपन का है वो है रूट हंड्रेड माइनस रूट नाइन्टी नाइन और नीचे वन हो गया होगा। वन कैसे हो रहा है मैंने अभी आपको समझाया था। तो अब हम देख सकते हैं कि जो सारे टर्म्स हैं सारे पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, जैसे रूट टू पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव भी है, रूट थ्री पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव भी है, ठीक है। और डैश डैश का मतलब इसके पिछला वाला कौन सा होगा, रूट नाइन्टी नाइन माइनस रूट नाइन्टी नाइन माइनस नाइन्टी एट होगा, तो ये जो 99 है ये इसके पहले वाले से कट जाएगा, यानी सारे के सारे कट जाएंगे, ये 4 इसके नेक्स्ट वाले से कट जाएगा, सिर्फ दो टर्म नहीं कटेंगे वो है 1 और 100, क्योंकि 100 का नेक्स्ट इसका कोई आएगा ही नहीं, तो ये दोनों बस बच जाएंगे। तो रूट 100 पॉजिटिव में रहेगा और 1 नेगेटिव में रहेगा। रूट 100 होता है 10 और ये 1 यानी कि 9 आंसर। यानी ऐसे केसेस में याद रखिएगा कि जो बड़ा मैक्सिमम वाला है वो बचता है और पहला वाला बचता है, बी माइनस ए यानी कि जो लास्ट है वो माइनस पहला। तो इस तरह से हम इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन ये रूल तभी लगता है जब ये लोग सक्सेसिव हो, यानी 1, 2, 3, 2, तभी तो नीचे 1 हुआ ना, क्योंकि 3 माइनस 2 1 हो जाता है, 4 माइनस 3 1 हो जाता है। तो इस तरह के पैटर्न को हम ट्रिक से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन इसका आंसर होगा 9। चलिए नेक्स्ट दो क्वेश्चंस लेते हैं। नेक्स्ट टू क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखा है सेम पैटर्न के हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे हैं, ट्रिक भी बता देती हूँ आपको, साथ में कैसे सॉल्व करते हैं ये भी बता देती हूँ। सारे जो है एसएससी और रेलवेज़ में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, हमेशा आप याद रखिए ऐसे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जो है एक ऐसा पैटर्न आपको दिखेगा, सीधा साधा क्वेश्चन नहीं आता है एग्ज़ाम में, कुछ कुछ ना कुछ उसमें पैटर्न रहता ही है। हमेशा याद रखिए ऐसे केसेस में जो ऑप्शन होंगे ना उसमें से आपको एक ज़ीरो ऑप्शन दिखेगा अगर, या वन दिखेगा, तो पी की पावर ज़ीरो ही बचता है ज़्यादातर। तो एक अंदाज़ा है कि यहाँ पे पी की पावर ज़ीरो बिना ऑप्शन देखे मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पे जो है सब कट जाएंगे, पी की पावर ज़ीरो यानी वन आ जाएगा, वन आंसर है। लेकिन थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, तो क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पे होती है, क्या मेन पैटर्न होता है यहाँ पे, देखिए करना क्या होता है। तो हम लोग जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें पैटर्न जो है दिख रहा है, तो सिर्फ आप थोड़ा सा एक नज़र डालिए, बी माइनस सी बी प्लस सी, सी माइनस ए सी प्लस ए, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हम लोग जानते हैं कि ए माइनस बी और ए प्लस बी जो होता है वो सीधा सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है। तो सब में आइडेंटिटी लग रही है और सब में मल्टीप्लिकेशन साइन है, यानी जो फाइनल आंसर होने वाला है वो पी की ही कुछ पावर होने वाली है, और फिर नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल होकर कुछ नहीं बचेगा, पी पावर जीरो यानी वन आंसर आने वाला है इसका, ठीक। तो ये देखिए अब जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, एक मैं स्टेप और ले लेती हूँ सीधे ऐड करने से अच्छा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से ये फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी। फिर इसके बाद यहाँ पे भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अब हम देख रहे हैं कि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी इसकी, तो यहाँ पे हो जाएगा पी की पावर ऐड होके कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस, ये भी ऐड हो जाएगी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इजीली देख सकते हैं जैसे अंदाज़ा लगाया था सब कट जाएगा, और p टू दी पावर ज़ीरो यानी कि वन, यानी इसका आंसर वन है, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा पैटर्न होता ही है, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा किसके वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो ये इसका p की पावर ज़ीरो, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाया हमने यहाँ पे, अलजेब्री की फॉर्मूला लगाया, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से सब कट गया, पी पावर ज़ीरो आ गया, वन आंसर इसका। मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, सीधे क्वेश्चन और सोल्यूशन। चलिए दोनों दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है कि अगर ये 9 की पावर x है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अगर ऐसा कुछ दिया है। बैंकिंग में बहुत कॉमन है इस टाइप के क्वेश्चन, बैंक में आते हैं, बहुत कम टाइम होता है, कैसे टाइम सेव किया जाए जल्दी, ट्रिक से मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर रूट क्यूब रूट, इसीलिए बताया जाता है कि जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करिए। तो अब देखिए हम शुरू करते हैं यहाँ पे भी। तो सबसे पहले देखिए ये न्यूमरेटर है, ये डिवीजन का साइन है, ये तो नीचे आएगा, तो सबसे पहले अपन इसको लिख लिया अपॉन 3 की पावर 4.8 है, डेसिमल में दिया है, ठीक है कोई बात नहीं। 81 क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पे 9 की पावर हमें दिख रही, तो हमने इसलिए सोचा कि 81 को 9 का स्क्वायर लिख लिया जाए, कि पावर इनटू 9 मतलब 3 का स्क्वायर कि पावर 4.5, 4 यानी कि 9 बाई 2 होता है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसे
नाइन की पावर आ गई है और ये 3 का है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 9, ये वाला जो है 3 की पावर 9 हो तो जाए। देखिए यहाँ पे है 9 स्क्वायर की पावर 2.5, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर तो 3 की पावर 4 और 4 का 2.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 की पावर 10 बचेगी, और यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 9 अपॉन 3 की पावर 4.8 इज इक्वल टू 9 का मतलब क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, और जो स्क्वायर है इस पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से। अब यहाँ पे हमें बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 के ऊपर न्यूमरेटर में कितनी पावर होगी, 10 प्लस 9 यानी 19, और नीचे क्या पावर है 3 की 4.8 है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा इज इक्वल टू 3 की पावर 2x। अब हम इसे में वो जो डिवीजन वाला रूल है ना, 3 की a की पावर m अपॉन b की पावर n, वो लगा लेंगे तो 19 माइनस 4.8 इज इक्वल टू 3 की पावर 2x है ना, और 3 की पावर 19 माइनस 4.8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14.2 इज इक्वल टू 3 की पावर 2x। अब हमेशा इस यहाँ पे एक बात याद रखिए, अगर a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर y, तो हमेशा जो पावर पावर है ना वो इक्वल हो जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 14.2 इज इक्वल टू 2x, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 14.2 इज इक्वल टू 2x, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा 14.2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि तो इस तरह से x इज इक्वल टू 7.1 जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये सब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। देखिए अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस लिखा है इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन, यहाँ पे 2 की जगह कुछ भी हो सकता है, 3 की जगह कुछ भी हो सकता है, हम या तो x फाइंड करना हो सकता है या फिर x पावर x, तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे 2 की पावर x और x की पावर एक मतलब माइनस वन है, यानी 2 की पावर माइनस वन, इसमें अलग अलग कर लेंगे बेस को, अगर a की पावर m प्लस n हो तो अपन इसे अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है, तो हमने इसे अलग कर लिया है, तो इसी तरह से हम यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, 2 की पावर x इंटू एक 2 जो 1 पावर है वो अलग हो जाएगी, इज इक्वल्स टू 320, इसमें अपन देख सकते हैं कि 2 की पावर x कॉमन है, ये 1 अपॉन 2 प्लस एक 2 इज इक्वल टू 320 कॉमन ले लिया इसको। अभी जो ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेंगे, अगर आप लॉ सीख गए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आता तो अपन फटाफट कुछ सेकंड ही लगेंगे इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 2 LCM 2 to the 4, 4 plus 1, 5, 5 by 2 इज इक्वल टू 320। अब 320 तो कोई पावर 2 की फ़िलहाल नहीं है, लेकिन जब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 320 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा इतना, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 320 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 10 इंटू 2 बाई 5 ऐसे लिख सकते हैं। अब जब यहाँ पर 10 चला गया, ये 10 अलग हो गया, तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2, अब सब 2 की पावर में आ रहे हैं, है ना, तो ये कह सकते हैं अपन इसको 2 की पावर कितनी बची, एक पावर ऊपर फिर से आ गई कटने की वजह से, तो 2 पावर और ये, तो 2 की पावर 7 तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 पावर 7, फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो सीधा साधा जो है, जो हमने रूल्स डिस्कस किए थे, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट डिस्कस किए थे, बस उन्हीं पे ये बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आसानी से आप कर सकते हैं अगर एक बार रूल पढ़ लिए तो। तो ये देखिए ये क्वेश्चन है, शुरू करते हैं, 3 पावर x माइनस 3 पावर x और 3 की पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 18। तो अपन इसी रूल से, जैसे हमने अभी उसमें देखा था, 3 की पावर x अपॉन 3, जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो नेगेटिव पावर वो नीचे आ जाती है, इज इक्वल टू 18। 18 को अपन 9 × 2 लिख सकते हैं, और 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, फिलहाल अभी कोई पावर नहीं है ये। अब इन दोनों में से हम 3 की पावर x कॉमन ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 3 हो जाएगा, और 3 की पावर x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 बाई 3, ये LCM 3 माइनस 1 2 बाई 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 स्क्वायर × 2, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड के 2 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे ये जो नीचे वाला 3 है वो यहाँ चला जाएगा, तो 3 की पावर x इज इक्वल टू ये उधर जाएगा, तो इतना हो जाएगा, ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, तो 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है,
तो इस तरह से हम जब कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ रही है 3, लेकिन इन्होंने x नहीं पूछा है बल्कि x की पावर x पूछा है, तो हम x की पावर x निकाल देंगे, 3 की पावर 3 यानी कि 27, ये आंसर है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, बहुत आसान है, बस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से धीरे धीरे सॉल्व कर करके कर सकते हैं। अब चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं पूरी तरह से, जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैंने बताया था, रूल्स बताए थे, सर्ट्स के घातांक के रूल्स बताए थे, बस वही ट्रिक है, सिर्फ आपको समझ समझ के से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप जल्दी जल्दी कर सकें, कम टाइम में कर सकें। तो देखिए मैं इसका बेसिक समझाती हूँ। 8 माइनस, सबसे पहले इतनी सारी पावर दिख रही है तो हाफ मतलब रूट है, तो पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए पहले। तो 9 का मतलब होता है 4 की पावर है 9/4, ठीक है, तो 4 का मतलब 2 स्क्वायर की पावर 9/4, तो ये जब 9/4, अब ये 2 से एक पावर कम हो जाएगी, और इधर समझ लेते हैं बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो अंदर ही अंदर 2 की कितनी पावर है, 2 की पावर 1 है और इसके पावर 2 की पावर 3 है, तो ये 2 की पावर 3 है और एक रूट है, रूट का मतलब कितना होता है, हाफ पावर होता है, हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इसी तरह से 2, और ये देखिए यहाँ पे -2 पावर है और ये जो रूट है वो हाफ है, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर -2, और जो रूट का मतलब हाफ पावर होता है, रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर हाफ, तो ये जो रूट वाला हाफ है वो नीचे आ जाएगा, तो ऐसा सिचुएशन हो जाएगी। उसके बाद अब ये जो 2 है ये इसको हम इससे एक काट सकते हैं, कम हो जाएगा, तो ये 2 के ऊपर बचेगा 9/2 इंटू 2 की पावर 3/2। हमेशा एक ही नंबर की पावर के फॉर्म में हमें इसे बदलना है, ये मेन स्ट्रेटजी यहाँ पे है। तो 2 की पावर देखिए 2/2 1 हो गया, तो ये -1 है और इसके ऊपर 2 के ऊपर क्या पर 1, बेस सेम है तो पावर सारी ऐड हो जाएगी 1, और यहाँ से क्या मिल रही है -1, यानी 2 की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, नीचे ख़त्म हो जा रहा है पूरा। ज़्यादातर ऑप्शन यहाँ पे 0 की संभावना होती है, 0 ही हो जाता है। 8 माइनस, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर तो 2 की पावर 0 यानी कि 1 ही हो चुका है, तो ये टर्म हट गया यहाँ से, अब सिर्फ क्या बचा है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 2 की दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, तो 9/2 + 3/2, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 8 की माइनस 2 की पावर 9 + 3 12 12/2 यानी कि 6 पावर, और यहाँ पे एक ये स्क्वायर रूट ये वाला लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, तो इस टर्म के ऊपर एक हाफ पावर है, तो अब जो है ये इसके ऊपर एक हाफ पावर हो जाएगी, तो 8 माइनस, जब ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगे, हमने एक रूल डिस्कस किया था कि एक ही पर m पावर है और n पावर, दोनों पावर होती तो दोनों पावर्स जो होती हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ठीक, तो ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा, और हम जानते हैं 2³ 8 होता है, 8 - 8 यानी कि 0, तो समझ समझ के धीरे धीरे हम इसको करेंगे, तो ये देखिए आंसर जो है ये वाला आंसर इसका सही है। दिखने में काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन इसका बेसिक समझने के बाद, और जो रूल है वो सिर्फ 4 जो रूल है वही ट्रिक है, वो जो रूल्स है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, जो नियम बताए गए थे वही इसकी ट्रिक है। तो इस पार्ट में हम लोग सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस देखेंगे, पावर्स ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट घातांक गणनी जो है ये कंटिन्यू रहेगा इसके अगले टॉपिक में। आज हमने लेवल 1 के क्वेश्चंस देखे हैं, तो और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं आज, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, इसके हाई लेवल क्वेश्चन लेवल 2 की बात करेंगे और ट्रिक्स की बात करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।